वर्ष 2021 में जो बृहस्पति का गोचर रहेगा कुंभ राशि में, यानी अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 2021 तक, ये जो 6 माह गुरु का गोचर कुंभ राशि में रहेगा, ये कुछ राशि वालों के लिए विवाह का योग बना रहा है। विशेष रूप से ये जो राशि मैं बताने जा रहा हूँ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा यदि उनकी कुंडली में विवाह का योग चल रहा है। बृहस्पति की महादशा या बृहस्पति की अंतरदशा चल रही है या फिर बृहस्पति इन्हीं राशियों में उनकी जन्म कुंडली में भी विराजमान है, तो यकीनन उनके विवाह का योग 2021 में बनेगा। राशियों के क्रम में हम सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए गुरु का गोचर अप्रैल 2021 के बाद आ जाएगा कुंभ राशि में। कुंभ राशि में जब गुरु गोचर करेंगे मेष राशि वालों के लिए, उस स्थिति में गुरु एकादश भाव में रहेंगे और एकादश भाव में गुरु गोचर करेंगे तो उनकी नवमी दृष्टि सप्तम स्थान विवाह के स्थान पर आएगी। ये विवाह का योग पूरे 6 महीने प्रबल योग बनेंगे। बात करते हैं दूसरी राशि की। दूसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए तो विवाह का स्वामी बृहस्पति होते ही हैं, साथ ही जब भाग्य भाव में बृहस्पति गोचर करेंगे तो विवाह स्थान का स्वामी भाग्य में गया तो भाग्य से विवाह होता है यकीनन, क्योंकि विवाह होना भी एक भाग्य ही है, बिना भाग्य के विवाह नहीं हो सकता। अगर हम तीसरी राशि की बात करें विवाह के क्रम में, वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति जो हैं वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, यानी पंचमेश होकर सप्तम भाव में जाएंगे। विशेष रूप से वो सिंह राशि वाले जो प्रेम संबंधों में, उन्हें प्रेम संबंध प्रेम विवाह में परिवर्तन करने का उनके लिए ये समय आ रहा है। अगर हम चौथी राशि की बात करें वो है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति का गोचर उनकी राशि से तीसरे भाव में रहेगा। धनु राशि वालों के लिए बृहस्पति राशि के स्वामी होते हैं, सुख सुविधा के स्वामी होते हैं। तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति की पंचम दृष्टि सप्तम स्थान विवाह स्थान पर रहेगी। ये भी विवाह का योग बनाएंगे। यहाँ पर भी इनके विवाह होने का प्रबल योग है। एक दृष्टिकोण से देखें तो शनि की साढ़े साथी का लास्ट फेस है, उससे आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे आखिरी राशि और अंतिम राशि की बात करें तो वह है कुंभ, जिनका 2021 में विवाह होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए राशि में ही बृहस्पति गोचर करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति एकादश स्थान लाभ का, यानी कि इच्छा पूर्ति के स्वामी बनते हैं, उनकी जो इच्छा रहती है उनके पूर्ति, और दूसरा भाव परिवार का। इच्छा पूर्ति विवाह होगा, इच्छा पूर्ति होगी तभी तो परिवार की भी वृद्धि होगी। तो जब बृहस्पति लग्न में गोचर करेंगे इनके लिए अप्रैल माह से लेकर सितंबर 2021 माह तक, उस समय बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो रहेगी सप्तम भाव पर, विवाह स्थान पर। ये भी इनके लिए पूर्णतः विवाह का प्रबल योग बनाता है। लग्न से भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं राशि से बताया, आप इसे लग्न से भी देख सकते हैं। आपकी यदि मेष लग्न की कुंडली, मिथुन लग्न की कुंडली, सिंह लग्न की कुंडली, धनु लग्न की कुंडली या कुंभ लग्न की कुंडली है, तब भी यही रूल आपके लिए अप्लीकेबल होगा। हो सकता है कितने लोगों का मेष लग्न हो और राशि भी मेष ही हो, यानी लग्न में ही चंद्रमा आया हुआ हो, मिथुन लग्न हो और राशि भी मिथुन ही हो, यानी मिथुन राशि है और लग्न में ही चंद्रमा है तो मिथुन राशि आ गया। सिंह लग्न हो और सिंह राशि भी हो, सिंह लग्न है लग्न में चंद्रमा है तो सिंह राशि हो गई। धनु राशि भी हो और धनु लग्न भी हो, यानी धनु लग्न है तो लग्न में ही चंद्रमा आ गया तो धनु राशि हो गई। कुंभ लग्न भी हो, कुंभ राशि भी हो, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको विशेष रूप से समझना है।